ही निवेदन करूंगा, कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया। इस पावन दिवस पर हम शहीदों को याद करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि शहीद हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। किंतु मेरी दृष्टि में एक वह वर्ग है जो देश की सुरक्षा सीमा रेखाओं पे करते हैं, किंतु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और उस चरित्र बल को जो है बढ़ाने का, पुष्ट करने का काम कर रहे हैं ऐसे महान मनीषी संत। मैं केवल एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है, वो काम इस प्रकार के संत कर रहे हैं। और पूज्य भाई श्री के मुखारविंद से कथा को सुनना तो अपने आप में भाग्य और सौभाग्य की बात है। मैं अनेक बार कहता हूं कि संत को कैसा होना चाहिए, उसका अगर प्रतीक पुरुष के रूप में हमें उदाहरण प्रस्तुत करना हो तो हमारे सामने भाई श्री विद्यमान है। बंधुओं और बहनों, इस कथा के माध्यम से आपने कोटि कोटि लोगों के मन के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन का बीज बपन किया है, कोटि कोटि लोगों के जीवन के अंदर चरित्र का निर्माण किया है और देश और समाज को जो है सुदृढ़ बनाने का काम किया है। मैं आखिरी गीता जी के एक श्लोक के साथ अपनी बात संपन्न करते हुए स्थान ग्रहण करूंगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मोहय। लोकमान्य तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए लीक से हटकर के एक अर्थ किया और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में समन्वय है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। और यही संदेश हमें भाई श्री देते हैं। आज अपेक्षा है समाज के अंदर जितनी भी प्रकार की विकृतियां हैं उसकी अगर जड़ कहीं पर भी है, आदमी जो पुरुषार्थ चतुष्ट है कि हमारे उपनिषदों ने कल्पना की थी अर्थ काम धर्म और मोक्ष, और धर्म और मोक्ष को घुरा करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लग रही है, उससे विकृतियां पनप रही है। भाई श्री जो है हमें उन विकृतियों से बचाने के लिए अपने मुखारविंद से जो महान संदेश देते हैं, मैं इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन धर्म की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि कोटि कोटि लोगों के अंदर जो है आपने चरित्र निर्माण का, मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों के उत्थान का कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ